हेलो गाइज, आज हम लोग दो अपकमिंग पॉपुलर स्मार्टफोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले। पहला होगा रियलमी 11 प्रो प्लस एंड दूसरा होगा वन प्लस नॉट 3। हालांकि दोनों फ़ोन अब तक इंडिया पे नहीं आए हैं, लेकिन ये दो महीने के आसपास दोनों फ़ोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। एंड दोनों स्मार्टफोनों की प्राइसिंग समथिंग 28,000 to 30,000 के अराउंड ही रहने वाला है, यानी कि प्राइसिंग लगभग सिमिलर होंगे। सो इसलिए आज हम लोग दोनों फ़ोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले, ताकि फ्यूचर में किसी यूज़र को कन्फ्यूज़न ना आए। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दोनों स्मार्टफोनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले बात कर ले हम लोग दोनों फ़ोनों की लुक एंड बिल्ड की, तो दोनों फ़ोन अपने अपने अलग लुक एंड बिल्ड के साथ आने वाले। नॉट 3 कुछ इस तरीके की लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाला है, और इसके बैक में हमें ग्लास बिल्ड का सपोर्ट दिया जाएगा, जहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट होगा। जबकि Realme 11 Pro Plus जो होगा वो इस बार लेदर फिनिश के साथ आने वाला है, कुछ इस तरीके की लुक एंड डिज़ाइन के साथ, और यहाँ पे प्रीमियम लेदर को यूज किया जाएगा। फिलहाल लुक एंड डिज़ाइन तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लुक एंड डिज़ाइन पसंद आता है, लेकिन Realme ने इस बार कुछ नया ट्राई किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग दोनों फ़ोनों के अंदर की स्पेसिफिकेशंस की तरफ, और जानते हैं कि दोनों फ़ोनों के बीच में स्पेसिफिकेशंस वाइज क्या कुछ फ़र्क हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो OnePlus Nord 3 6.74 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक फ्लाइट एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहां पे 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा, और ये डिस्प्ले भी HDR 10 प्लस 10 बिट कलर सैचुरेशन एंड डॉल्बी विजन जैसे फीचर को सपोर्ट करने वाला है, और इसकी बेजल काफ़ी पतली रहने वाली है, यानी कि ना के बराबर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले बेटर है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें Realme 11 Pro Plus की, तो ये फ़ोन 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक बोल्ड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहां पे 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा, और ये डिस्प्ले भी HDR 10 प्लस 10 बिट कलर सैचुरेशन एंड डॉल्बी विजन के साथ होगा, और यहाँ पे भी बेजल्स ना के बराबर हमें देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो डिस्प्ले वाइज Realme 11 Pro Plus थोड़ा आगे चला जाता है, कर्व के साथ 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दोनों फोनों की कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ, तो दोनों फोनों के रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलने वाला है अलग अलग कैमरा मॉड्यूल के साथ। OnePlus Nord 3 में 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS एंड Sony IMX लेटेस्ट सेंसर, बाकी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। लेकिन यहीं पे Realme 11 Pro Plus के रियर पे 200 मेगापिक्सल की अब तक की लेटेस्ट सेंसर का सपोर्ट मिलने वाला है विथ OIS एंड HPX सेंसर। यहाँ पे भी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। तो देखा जाए तो Realme 11 Pro Plus कैमरा डिपार्टमेंट को लेकर भी आगे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नया एक्सपीरियंस मिल सकता है 200 मेगापिक्सल की कैमरास के साथ, और अच्छे खासे फोटो एंड वीडियोग्राफी कर पाओगे, वो भी स्टेबल पे। हालांकि OnePlus का भी कैमरास बेटर है, लेकिन नंबर वाइज देखा जाए तो Realme 11 Pro Plus आगे चला जाता है। यहीं पे Nord 3 के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, जबकि 11 Pro Plus के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो सेल्फी के मामले में भी Realme 11 Pro Plus आगे चला जाता है। अब आते हैं हम लोग दोनों फोनों की सबसे हाइलाइटिंग फीचर परफॉर्मेंस की तरफ। तो OnePlus Nord 3 Dimensity 9000 वाले पावरफुल प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसकी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 1 मिलियन से ऊपर चला जाता है, जबकि Realme 11 Pro Plus Dimensity 7050, यानी कि ये जो प्रोसेसर है ना, ये Dimensity 1080 की तरह ही परफॉर्मेंस देने वाला है। तो हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होगा एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 3। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे OnePlus Nord 3 काफ़ी हद तक आगे चला जाता है। अब दोनों फोनों की बैटरी डिपार्टमेंट की भी बात कर ले, तो OnePlus Nord 3 पे 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलने वाला है, जहाँ पे 80 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जबकि Realme 11 Pro Plus में भी 5000 mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। तो चार्जिंग स्पीड को लेकर यहाँ पे Realme 11 Pro Plus आगे चला जाता है। बाकी दोनों फोनों पे डुअल स्टीरियो स्पीकर रहने वाले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाले, सिर्फ दोनों फोनों पे 3.5 mm जैक नहीं होगा, और OnePlus Nord 3 में एक एडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ पे हमें अलर्ट स्लाइडर दिया जाएगा, और Realme 11 Pro Plus में ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। बाकी दोनों फोन इंडिया के अंदर 8128 के बेस वेरिएंट से स्टार्ट होंगे। तो ये कुछ फर्क हमें दोनों फोनों की स्पेसिफिकेशंस वाइज देखने को मिलने वाले हैं। अब ब्रांड को लेकर मैंने यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं किया, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस वाइज मैंने कंपैरिजन किया, जिसे लेकर Realme 11 Pro Plus आगे चला जाता है। तो ये था गाइस यहाँ पे दोनों फोनों के बीच में फुल कंपैरिजन। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सभी के कंफ्यूजन भी क्लियर हुए होंगे। अगर हुए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मिलते हैं गाइस हम लोग अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।